सारे गामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज फिर आपके लिए अपने सारे गामा कारवां के 5,000 एवरग्रीन गानों में से कुछ चुनिंदा गाने लेकर के आई हूं। और इन गानों को आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं अपने सारे गामा कारवां पर बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के। वैसे आज की मेरी 2020 सीरीज़ की प्लेलिस्ट में कुछ बेहतरीन गाने हैं। इतनी खूब प्लेलिस्ट बनी है ये, क्योंकि ये जो 20 चुने हुए गाने मैं आज लेकर के आई हूँ वो हैं सिंगर मुकेश जी के गाने, जो कि उन्होंने मनोज कुमार जी के लिए गाए थे। ये बात तो आप जानते ही हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुकेश जी मनोज जी की ऑन स्क्रीन वॉइस के लिए काफ़ी पॉपुलर हुए थे और उनकी आवाज़ ने मनोज जी के करियर में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट भी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो मनोज जी की उस फिल्म से जिसे मनोज जी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने के साथ साथ लिखा भी था। फिल्म का नाम है शोर। और क्या आप जानते हैं, जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसे म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत जी ने अपने बेटे टीकू के छोटे वाले हारमोनियम पे कंपोज किया था, वो जिसे बच्चे बजाते हैं ना, उस पर। और इस गाने के लिए मुकेश जी को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया था। गाना है एक प्यार का नगमा है। प्यारा सा गाना है तो दिल में थोड़ा प्यार जगाइए और सुनते जाइए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी। धार है नदिया की,
चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे है ना वादे हैं, आकस में है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोने ना सीधे सादे हैं, दोने ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। मौसम की ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब
महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है जो तू नहीं तो कुछ भी क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप।
मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज की 2020 सीरीज में मैं लेकर के आई हूँ कुछ खास चुने हुए ऐसे गाने जो कि मुकेश साहब ने मनोज कुमार जी के लिए गाए थे। वैसे मनोज कुमार जी को मिस्टर भारत का टैग दिया गया था, ये तो आप जानते ही हैं, और वो इसलिए क्योंकि एक ऐसा दौर आया था जब वो सिर्फ पेट्रियाटिक फिल्म्स ही बनाते थे, जैसे शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति और भी ऐसी कई सारी फिल्में उन्होंने बनाई, जिसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके सभी पॉपुलर गाने मुकेश जी ही गाया करते थे। बस क्रांति फिल्म जो थी वो रह गई थी, और वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म से पहले ही मुकेश जी का देहांत हो गया था। लेकिन उसी के बाद में एक और एक जो अच्छी बात हुई वो ये थी कि मुकेश जी क्योंकि ये फिल्म नहीं कर पाए थे तो उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने इस फिल्म का काम कंप्लीट किया था। शहीद वैसे मनोज कुमार जी की पहली पेट्रियाटिक फिल्म थी। क्या आप जानते हैं, अपने किरदार के लिए उन्होंने 4 साल तक भगत सिंह जी पर रिसर्च की थी। वो न्यूज़पेपर के ऑफिसेस गए, पुरानी बुक्स पढ़ी, मैगजीन्स, पेपर्स, सभी कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स पर मटेरियल अवेलेबल था सभी पर उन्होंने रिसर्च किया। इनफैक्ट उन्होंने भगत सिंह जी के लॉयर से भी बात की थी उनका केस समझने के लिए। ऑल्सो इस फिल्म के गाने आज तक भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं, स्पेशली मेरा रंग दे बसंती चोला, क्या फीलिंग है इस गाने में। इसके कई सारे वर्जन्स बने हिंदी सिनेमा में, लेकिन मुकेश जी का वर्जन हमेशा यादगार रहेगा। इंटरेस्टिंगली ये गाना पहले पिक्चराइज हुआ था और बाद में जा कर के रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि जब फिल्म की शूटिंग लुधियाना जेल में हो रही थी तब शूटिंग के दौरान मनोज जी स्पॉन्टेनियसली भगत सिंह जी का गाना मेरा रंग दे बसंती चोला गाने लगे, और तभी उनके को स्टार प्रेम जी ने सुना और इसको तुरंत टेप कर लिया। तभी के तभी इस गाने को पिक्चराइज कर लिया गया, और बाद में जा कर के मुकेश जी, राजेंद्र मेहता, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया। ऑल्सो उस दौरान जब फिल्म कंपोजर्स के नाम पर चला करती थी तब मनोज कुमार जी ने न्यू कमर लिरिसिस्ट कंपोज़र प्रेम धवन जी को ब्रेक दिया था ओवर द मोर सेलेबल शंकर जयकिशन एंड कल्याण जी आनंद जी। गाना तो सुपरहिट था ही, एक अलग जज्बात भी है इस गाने में, एक अलग इमोशन जगा देता है ये गाना। तो चलिए सुनाते हैं आपको यही गाना कारवा क्लासिक्स रेडियो शो पर। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला,
ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी 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 रे पानी। दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते, इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते, बादल से तू मिले तो रिम झिम बरसे सावन, सावन आया सावन आया, सावन आया सावन आया, झिम झिम बरसे पानी आग ओढ़ कर, आग पहन कर, कहीं पे देखो छत टपकती जीना हुआ हराम, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा, पानी रे पानी 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 रे पानी। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, पाए मत वाली चाल। Thank you.
हम ये अदाओं की रानाइयां हैं, सितम ये अदाओं की रानाइयां हैं, कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयां हैं। बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, बहारे चमन हो घटा हो धनक हो, ये सब तेरी सूरत की परछाइयां है। कि तन से उड़ता गुलाल कहां, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहां, तौबा ये मत वाली चाल। वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहां, तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहां, तौबा ये मत वाली चाल। दीवानों से ये मत पूछो, मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, परवानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। क्या जाने मेहमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो।
मालिक ने बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा मालिक ने बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो पर मैं हूँ रुचि आपके साथ और आज की ये खास 2020 सीरीज में मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे चुने हुए 20 गाने जो कि मुकेश जी ने गाए थे मनोज कुमार जी के लिए। वैसे 1960s की बात करें तो उस समय में मनोज जी एक ब्रिलियंट एक्टर तो थे ही, लेकिन उसी के साथ ही साथ एक टॉप नॉच डायरेक्टर के रूप में भी सामने आए थे। पर एक ऐसा दौर आया था जब उनका करियर ग्राफ लो होने लगा था। इसी दौरान उन्होंने सन्यासी फिल्म बनाई उनके फेवरेट डायरेक्टर सोहन लाल कंवर जी के साथ, जिसमें वो हेमा जी को कास्ट करना चाहते थे। पर हेमा जी एट फर्स्ट वाजंट दैट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि मनोज जी के साथ उनकी पिछली फिल्म संतोष में उनका एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। मनोज जी ने डायरेक्टर साहब से कहा कि वो जाएं जाकर के हेमा जी से बात करें। ऐसा हुआ भी, लेकिन हेमा जी ने साफ मना कर दिया। पर जब मनोज जी उन्हें मनाने के लिए गए तब उन्होंने एक शर्त पर फिल्म साइन कर दी। शर्त ये थी कि उनके गाने सिर्फ लता जी ही गाएंगी। फिर क्या था, हेमा जी के लिए लता जी और मनोज जी के लिए मुकेश जी को एज प्लेबैक सिंगर्स साइन कर लिया गया। इनफैक्ट ये फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जी की पहली फिल्म थी आफ्टर द डिमाइस ऑफ जय किशन जी, और इसी फिल्म के लिए कुछ 26 साल के बाद मुकेश जी ने म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जी के लिए गाना गाया था। सुना है वैसे ये आखिरी गाना भी था जो कि मुकेश जी ने शंकर जी के लिए गाया था, क्योंकि उन्हें शंकर जयकिशन जी के साथ मतलब एक साथ मिल करके काम करने की आदत थी, तो ये जो एक जोड़ी टूट गई थी वो उन्हें कुछ रास नहीं आई थी। वैसे मुकेश जी की एक और ख़ास बात ये थी कि वो बड़ी गहरी फीलिंग्स के साथ गाने गाते थे और रिकॉर्डिंग्स के दौरान अक्सर कूल टेम्परमेंट रखते थे। चलिए ऐसे ही और भी मुकेश जी के फिल्मों के और उससे जुड़े मुकेश जी के गानों के किस्से मैं आपको सुनाती रहूँगी, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं रोटी कपड़ा मकान फिल्म से मुकेश जी और लता जी का ये प्यारा सा गाना। Oh,
की धारा में, वो समय की धारा में, उम्र है जानी है, जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे, वही जलाना मुझे नहीं आता है, बस पूजा की ज्योत जगाना मुझे यही भाता है। हो चल सन्यासी मंदिर में,
हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, धर्म छोड़कर ध्यान छोड़कर पाप नहीं अपना है। आई होप यूर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरे उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या दाए इश्क में हम। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी राह नहीं जाए। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी राह नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सह नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तदाए इश्क में हम। सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तदाए इश्क में हम। जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। तूने जब जब आँख मिलाई, दिल से एक आवाज ये आई। चल के अब तारों में रहेंगे, प्यार के हम दो सौदाई। मुझको तेरी सूरत भी चांद रात लागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तदाए इश्क में। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी।
उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। ठीक थी और दिल तबीयत ठीक थी, हाँ तबीयत ठीक थी, तबीयत ठीक थी, हाँ तबीयत ठीक थी, और दिल थी, हाँ दिल थी, आज दिल थी बेकरार ना था। तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार, ये तब की बात है जब किसी से प्यार न था। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, वेलकम बैक टू द शो। क्या आप जानते हैं आज हम जिस दौर के बारे में बात कर रहे हैं जब मुकेश जी मनोज कुमार जी के लिए ऑलमोस्ट हर दूसरा गाना गाया करते थे। ये वो दौर भी था जब एक्ट्रेसेस को एक्टर्स से ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, ज़्यादा पेमेंट दिया जाता था और फिल्में चलती थीं हीरोइंस के नाम पर। ऐसा ही कुछ हुआ था हरियाली और रास्ता फिल्म के दौरान। क्या आपको पता है, वैसे तो मनोज कुमार जी काफ़ी बड़े स्टार थे तब तक, लेकिन उन्हें कुछ 11,000 रुपये में साइन किया गया था और वहीं उनकी को स्टार माला सिन्हा जी को लाखों लाखों रुपए दिए गए थे। ये जानने के बावजूद भी मनोज कुमार जी ने कभी भी ये जो डिफरेंस इन पे था ये उनके काम में दिखने नहीं दिया। इनफैक्ट एक अनकम्फर्टेबल सा इंसिडेंट भी हुआ था इन दोनों के बीच में, जब मनोज जी का एक क्लोजअप सीन चल रहा था और माला जी एकदम कैमरा के पास में आकर के खड़ी हो गई थी, जिससे मनोज जी काफ़ी नर्वस हो गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि माला जी ऐसा क्यों कर रही हैं, कहीं मुझे जज कर रही हैं या मेरी परफॉर्मेंस बिगाड़ने के लिए ऐसा कर रही हैं। पर फिर बाद में जब मनोज जी ने माला जी से बात की तब माला जी ने कहा कि मैं तो बस सीखने की कोशिश कर रही थी तुमसे। तो चाहे पैसे किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलते हों, लेकिन इज्जत हर इंसान एक दूसरे की बराबर करता था उस समय में। चलिए फिलहाल इसी फिल्म से सुनते हैं अगला गाना, जिसके कि दो वर्जन्स बनाए गए थे। एक लता जी की आवाज़ में था और एक था लता जी और मुकेश जी का डुएट।
अभी के लिए मुकेश जी और लता जी की आवाज में जो गाना था वो आपको सुनाते हैं। गाना है बोल मेरी तकदीर में क्या। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल तू बतला, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। सहेंगे तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, तेरी याद दिल से।
तुम्हें साथ देना पड़ेगा, घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ, बहाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से। कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, वही खाक अपनी उड़ाने चला हूँ, उड़ाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से। इश्क ले फूंक दे मेरा दामन, गमे इश्क ले फूंक दे मेरा दामन, मैं अपनी लगी बुझाने चला हूँ, बुझाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, के खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से। आज के शो के सभी गाने आप सारे गामा कारवां से सुन रहे हैं। सारे गामा कारवां, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। एक नंबर का हाथ दिखाया जब कह के जय काली, अरे एक नंबर का हाथ दिखाया जब कह के जय काली, कितने ही सेठों की भारी जेब हो गई खाली। दो नंबर है और निराला, देखूं और खुल जाए ताला, उड़के पॉकेट में आ जाए हरे नोट की भरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। तीन का चमत्कार देखो जब फेंकूं पत्ता, अरे नंबर तीन का चमत्कार देखो जब फेंकूं पत्ता, सबकी तबीयत करूं साफ दिल्ली हो या कलकत्ता,
चौथे मेरा गजब का झांसा, आप दिया दूजे को फांसा, कभी कभी तो पुलिस को उल्टे दिखलाऊं हथकड़ी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी। पांचवा नंबर जुल्म का दुश्मन मैं दुखियों का साथी, पांचवा नंबर जुल्म का दुश्मन मैं दुखियों का साथी, छठा देश के गद्दारों से छीन लूं घर की बाती, नंबर साथ करे जो दंगा, एक हाथ में कर दूं चंगा, लंगड़ी टंगड़ी छुरी कटारी सब रह जाए थारी, ये दुनिया तो मैं दस नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, लुरुलु 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 एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी, हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ,
आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। मनोज कुमार जी का अभिनय का शौक कुछ 10 साल की उम्र से ही दिखाई देना शुरू हो गया था। अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म फैशन साइन की थी एंड इवेंचुअली अपनी पेट्रियाटिक फिल्म्स की वजह से वो मिस्टर भारत बन गए। ऐसे क्या आपको पता है, मनोज जी कहते हैं कि उनके मिस्टर भारत बनने के पीछे उनकी इंस्पिरेशन उनके पिताजी थे, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन देखा था और अपने पिता के नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म और ह्यूमन वैल्यूज़ को करीब से फॉलो किया था। वेल, आज 50 साल से भी ज़्यादा मनोज जी ने हिंदी सिनेमा में बिताए हैं, पर काफ़ी बदलाव उन्होंने नोटिस किया है। और एक बात जो उन्हें खलती है वो ये है कि पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं बचा है। अब ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट जो है वो गिरता चला जा रहा है। ये बात तो हम भी मानेंगे कि जो म्यूज़िक उस ज़माने में हुआ करता था वो म्यूज़िक शायद दोबारा कभी भी हम नहीं देख पाएंगे। चलिए इसी बात पर बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, जो कि वन ऑफ द लास्ट फ्यू सॉन्ग्स में से एक है मुकेश जी के, जो उन्होंने मनोज कुमार जी के लिए गाए थे 10 नंबरी फिल्म से। ये गाना आपके लिए, सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दर्द रहता है, तो हरी नाम को जाप के गंगा जल पी लेना, अरे हरी नाम को जाप के गंगा जल पी लेना, पीकर फिर आराम से प्राणी जुग जुग जी लेना, यदि फिर भी ना मिले तुझे आराम, तो रक्षा करे तेरी सिया का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना, है बुरा आंख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना, सुरमा बांबू शाह खबर आंखों में जी लेना, यदि फिर भी हो वही सुबह हो शाम, तो रक्षा करे तेरी सियाराम 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 सियाराम। हे दाम क्या
जटाधार के नाम बाली के एक रस्सी लेना, जटाधार के नाम बाली के एक रस्सी लेना, और गले में फंदा डाल के हर दुख से छुट्टी लेना। यदि फिर भी ना बने तेरा काम, तो रक्षा करे तेरी सियाराम, सियाराम 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 सियाराम। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। सावन के दिन आए, बीती यादें लाए, कौन झुका कर आंखें मुझको पास बिठाए। कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। सागर हाय चारों तरफ लहराए, जितना आगे जाऊं गहरा होता जाए। गम के भंवर में क्या क्या डूबा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। सुवन में बनकर फूल खिली हो, जाने किस बगियन में। मैं अपनी किस्मत पे रोया, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से।
वचन करूं कैसे, साधु तेरा सजन बन कैसे झूठा। छोड़ दे अकेला, मैं ना बन पाऊंगा साधु से छेला। माया माया में मन को मगन करूं कैसे, चढ़ती जवानी तो सन बन कैसे, काली मरिया भजन करूं कैसे, चढ़ती जवानी तो सन बन कैसे काली। डर है ना घर की परवाह, ना लोगों का डर है, ऐसी क्या तेरी ही चढ़ती उम्र है। जाने क्यों तुझ पर ना कोई असर है, तेरी और मेरी बराबर उम्र है, नाजुक नाजुक कमरिया संभल चलूं कैसे, साधु हूँ तेरा सजन बन कैसे, गुरु का वचन करूं कैसे, साधु हूं तेरा सजन बन के। समझ में न आए वो परी कहां से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद ना आए तुझको, कि छोरी कोई पसंद ना आए तुझको। अजरे की धार जैसे तीखी तलवार, देख होठों का ये रंग, देख चलने का ढंग, कटे अंग्रेजी बाल, बांधा रेशमी
उंगलियां तक मेरा रंग हुआ पक छोरी होके ये हजामत कराए ये गंगा राम की समझ में न आए वो परी कहां से लाऊं तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं फिर गोरी कोई पसंद ना आए तुझको फिर चोरी कोई पसंद ना आए तुझको खिला है गुलाब देख पूरा है पंजाब देख रूप की उमंग जैसे हिरनी का अंग जैसे मिट्टी हो खजूर ऐसा मुकरे पे नूर बोल है मंजूर ये तो नाचे छम छम मेरा निकले है दम इसे भांगड़ा कौन नचाए ये गंगा राम की समझ में न आए कैसा लगा आपको ये शो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए हर हफ्ते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है एक प्यार का नगमा